वैसे आंटी, अगर आपके लिए प्रॉब्लम ना हो तो आप भी कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इधर मुनासिब नहीं है रहने का। बेटा, हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? इस वाकये के बाद तो अपने भी अपने नहीं रहे, सबने मुंह फेर लिया। कहाँ जाएंगे हम? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कोई घर देखूं जहां पे सिक्योरिटी का कोई मसला ना हो। नहीं बेटा, बेटा बस मेरे उमेर को रिहा करवा दो। एक बार उमेर रिहा होकर घर आ जाए ना, तो फिर हम खुद खुद यहां से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। बस बेटा, ये मेहरबानी कर दो कि मेरा मेरा उमेर रिहा होकर घर आ जाए। बस, बहुत शुक्रगुजार होगी तुम्हारी। आंटी, आप फिक्र ना करें, उमेर बहुत जल्द रिहा होगा। कल केस की पेशी और केस की पेयरिंग के साथ साथ मैंने बेल के पेपर्स भी तैयार करने। अब उम्मीद तो यही है कि कल उमेर रिहा हो जाएगा। इंशाल्लाह, जीते रहो बेटा, खुश रहो। इंशाल्लाह। बेटा, चाय वगैरह लाऊंगा। जी मैं चाय बन रही है, मैं वो लेके आती हूँ। आंटी, चाय रहने का इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। पी लेते बेटा चाय। और आंटी प्लीज, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। चलो, अल्लाह हाफिज। इसे खुश रखे, ऐसी उम्मीद की किरण बनकर हमारी जिंदगी में आया, वरना तो हमारा उमेर के अलावा कोई सहारा ही नहीं था। अपडेट करेंगे आपको, ईशा उमेर केस में एक और पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिले में हम आपको अपने नुमाइंदे के पास लिए चलते हैं। कल ईशा उमेर केस को वकील न मिलने की वजह से केस दुर्दवा का शिकार रहा। आज ना सिर्फ उमेर केस को वकील मिल गया, बल्कि वो इस केस को जीतने के लिए काफी पुरअज़म नजर आ रहे हैं। एडवोकेट शावेज अहमद इस केस की पैरवी करते हुए इस केस को जीतने का अजम रखते हैं। अदालत की कार्रवाई का आगाज शुरू हो चुका है। कैमरामैन फहद के साथ आयशा खान, हम न्यूज। कल तक तो इनको वकील भी नहीं मिल रहा था, और आज केस की प्रोसीडिंग हो रही है, और ये भी मुमकिन है कि उमेर आज जमानत पे रिहा भी हो जाए। अब आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते भाई, आप हार गए हैं। एक बड़े केस में बड़ी अहम पेशरफ, जज साहब ने उमेर की बेल मंजूर कर ली है। अब क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई की बेल मंजूर हो गई है। देखिए जी, सारा का सारा केस प्लांटेड है, जिसे मैं बहुत जल्द एक्सपोज करके रहूंगा। इस केस के प्लान करने वालों को मेरी तरफ से एक पैगाम, उमेर की बेल हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको बाइज्जत बरी करवा के रहूंगा। क्योंकि इस केस को प्लान करने वाले ये भूल जाते हैं कि ऊपर सबसे बड़ा प्लानर सबसे बेस्ट। थैंक यू। कैमरामैन यासर के साथ आयशा खान, फ्रॉम हम न्यूज़। इतना आसान नहीं है मलिक के चुलार को हराना बच्चे, इतना आसान नहीं है।
ये लीजिए उमेर की जमानत के कागजात। तुम तो बहुत अच्छे वकील निकले, पहली पेशी पर जमानत करवा दी, जबकि उसका केस तो कोई भी वकील लेने को तैयार ही नहीं था। उमेर को बुलवा ले। दादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करो, तुम नहीं जानते तुम किससे बैर ले रहे हो। आपकी ये वर्दी, उस पे लगे ये स्टार, ये सारा प्रोटोकॉल सरकार ने दिया है आपको, तो बेहतर यही होगा कि आप सरकारी नौकरी करें। मलिक इजलाल जैसे माफिया की गुलामी नहीं। तस्वीर लेके व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। फिलहाल उमेर को बुलाएं। जाओ उस लंगड़े को लेकर आओ। Thank you. आ बेटा। Please. बेटा ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। हम सब सारी ज़िंदगी तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, बिना वजह शर्मिंदा कर रही हैं मुझे, मेरा तो बस फ़र्ज़ था ही। अरे बेटा ऐसे वक्त में जब किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की, तुमने हमारा साथ दिया, कदम बढ़ाया और तुमने इजलाल की धमकियों की भी परवाह नहीं की। आंटी जो लोग हक और सच का साथ देते हैं ना, वो किसी की धमकियों से मरोग नहीं होते। वो मेर की बेल तो होगी, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाइज़त बरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। आओ बैठो बेटा। आंटी बस दुआओं में याद रखिएगा, मैं चलता हूँ जरा देर हो रही। नहीं बेटा ऐसे नहीं जा सकते, कोई चाय वाय पी कर जाना, बैठो तुम प्लीज। Umair, I can't tell you how happy I am to see you. Assalamu alaikum, beta. Thank God, tum reha ho gaye. Main to pareshan hi ho gayi thi. Tum kaise ho? Theek ho na? Mujhe jaise media se news mili ki tumhari bail ho gayi hai, main to bhagi bhagi chali aayi. Javira, relax. Hum baad mein baat karte hain na. Tum chai piyogi? No. I'm not in the mood. मुझे बताओ आपसी की टिकट कब कंफर्म कराऊं? कब चल रहे हो तुम मेरे साथ वापस? जबीरिया मैंने कहा ना कि हम बात बात करते हैं। बाद में क्यों बात करेंगे? मैं तुम्हें किसी भी सूरत यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बहुत दुश्मन है। आंटी अब तो चाय भी पी ली, इजाजत दीजिए मुझे। शुक्रिया बेटा, वो बहुत मेहरबानी, फिर चक्कर लगाना। जी जरूर। उमेर मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।
आप गाड़ी की चाबी भूल गए थे। थैंक यू, मैं बस ये लेने ही आ रहा था। चावेज, आपका बहुत शुक्रिया। जो भी आपने हमारे लिए किया है, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए, लेकिन केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोशिश करूँगा कि ये केस जीत सकूँ। आप ये केस ज़रूर जीत जाएंगे। इतना भरोसा? वो कैसे? आपकी जहानत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था। जो लॉयर हमें मिला है वो इंतहाई जीनियस और लॉयल है। जिस तरह आपने ये केस लड़ा, जज को कायल किया और भाई को बेल दिलवाई, इससे साफ वाजे होता है कि आप ये केस जरूर जीत जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आपका जख्म कैसा है अब? बढ़ रहा है। आप फिर डॉक्टर के पास गए थे ना? नहीं। क्यों? जाना चाहिए था। अब चला जाऊंगा, चलता हूं। शावेस जी, आपने अपनी फीस तो बताई ही नहीं। आप फीस दे पाएंगे आप? बहुत ज्यादा हुई तो शायद हम ना दे सकें, पर आपसे कम करने की रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ। इतना तो कर ही लेंगे आप हमारे लिए। आंटी से तो है, और आपके हाथ की एक कप कॉफी जरूर। अल्लाह हाफिज। आपने अपनी फीस तो बताई ही नहीं। बहुत ज्यादा हुई तो शायद हम ना दे सकें, पर आपसे कम करने की रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ। इतना तो कर ही लेंगे आप हमारे लिए। तुम कल की फ्लाइट से मेरे साथ वापस चल रहे हो। बस मैंने कह दिया है और ये फाइनल है। जवेरिया, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ बेल मिली है मुझे। ऐसे कैसे जा सकता हूँ मैं? और अगर केस ख़त्म हो भी जाए तो अम्मी और ईशा को बेयार और मददगार छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ। जिम्मेदारी है मेरी वो। अच्छा, सिर्फ यही दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत के नाम पे इतने साल बैठी रही? तुम्हें सिर्फ अपनी माँ और बहन की फिक्र, मेरी कोई फिक्र नहीं है। जवेरिया प्लीज रिलैक्स, काम डाउन, हाथ को समझने की कोशिश करो। देखो, जब तक इस मसले का मुनासिब हल नहीं निकल जाता, मैं अम्मी और ईशा को छोड़कर नहीं जा सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ ठीक है, नहीं जा सकते ना तो मेरे साथ, तो ये लो अपनी रिंग पकड़ो जो तुमने मुझे कभी अपनी मोहब्बत के नाम पे पहनाई थी। ना मुझे तुम्हारी ये रिंग चाहिए और ना मुझे तुमसे अब शादी करनी। रहो तुम अपनी माँ और बहन के साथ। जवेरिया, मेरी बात सुनो बेटा। जब मैंने आपके बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? जवेरिया, तुम क्यों जज्बाती हो रही है बेटा? हाँ, जज्बाती तो हूँ जो आपके बेटे के पीछे भागी भागी यहाँ चली आई, और इससे मेरी परवाह ही नहीं है। परवाह है बेटा, देखो वो अभी अभी रिहा होकर आया है, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। हम सब मिलकर समझाएंगे उसे, वो मान जाएगा। सिर्फ आप लोगों की वजह से आज वो इस मुश्किल में है, और वो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं क्या करूं? मैं पागल हूं जो यहां कुवार होती रहूं। जाने दे अम्मी से।
अच्छा जाने दे, मैंने बेकार में इतने साल तुम्हारे लिए वेस्ट किए, आखिर होना तो कॉल मटेरियल मर्द जिसकी सोच अपनी माँ बहन से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म हो जाती है। Don't cross your limits. I will. मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी उमेर से मोहब्बत की थी। जवेरिया मेरी बात सुनो। भाई रोके उन्हें। शाबेज मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम मामा। मुझे पूरा यकीन था आज तुम उमेर को रिहा करवा लो। I'm so proud of you. तो न्यूज़ पहुंची गई आप तक? कैसे ना पहुंचती? इतना इम्पोर्टेंट केस जीत के आया मेरा बेटा, मैंने सारी डिटेल्स मालूम कर ली हैं। खुश तो है ना आप? बहुत खुश हूँ। आपको पता है ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। ईशा और अक्षंदा भी कितनी खुश होंगी, उमेर उनका इकलौता बेटा है। जी सब बहुत खुश थे। मैं चेंज कर लूं? हाँ बिल्कुल। उमेर ये सब क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी पैकिंग कर रही हूँ। तुम जवेरिया के साथ जा रहे हो वापस, बस उसे फोन करो और उसे बोलो कि क्या आजकल परसों जब की चाहे तुम्हारी भी सीट कंफर्म करवा ले। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भाई जिद मत करें, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको यहाँ से चले जाना ही मुनासिब है। अम्मी मैं जमानत पर हूँ, केस खत्म नहीं हुआ, अब आप ही बताएं सूरत में मैं कैसे जा सकता हूं। आपका जख्म कैसा है? आप फिर डॉक्टर के पास गए थे ना? नहीं। क्यों? जाना चाहिए था। हम चला जाऊंगा। क्या जरूरत थी मामा? खुद को थकाने की मैंने रूबी से कहा तो था। बेटे के काम में कैसी थकन? अच्छा आप भूल नहीं जाना, कल हमें चेकअप के लिए जाना है। ओके जी, अब तो चेकअप कराना ही पड़ेगा। अब क्यों? अरे आपने ही तो कहा था कि अब चेकअप के लिए जाना होगा। What? ये मेरे बेटे में मुझे कुछ तब्दीली सी दिख रही है। What? कहाँ जा रहे हो?
ये वही लोग हैं माँ, जिनकी दुम पर मैंने पांव रख दिया है। अब इस खौफ से कहीं कि कहीं वो लोग पकड़े ना जाएं, हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक इस्लाम और कौन हो सकता है माँ? उमेर की जमानत तो मैं करवा ही चुका, अपन को डर है कि कहीं वो बाइज्जत बरी ना हो जाए और उसका खेल ना खत्म हो जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये साथ तक भी जा सकता है। अपनी कमीनगी दिखाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं माँ। I'm sorry. Are you okay? हेलो, कैसा लगा मेरा तोहफा? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस बचकाना हरकत से डर जाऊंगा मैं? तुम्हारे लिए वार्निंग थी ये। देखो तुम्हारी माँ है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो दुनिया में अकेली रह जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, सो पीछे हट जाओ। अरे हरगिज मुमकिन नहीं है ये, उमेर को जमानत तो मिल ही गई, अब बहुत जल्द उसको बाइज्जत बरी भी करवा लूंगा मैं। उसके बाद उन पर होने वाले हर जुर्म की चार्जशीट बनाकर तुम पे दूसरा केस करूंगा। अबे तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? आवाज नीचे रख के बात करो। जानता हूं किससे बात कर रहा हूं। क्या चाहते हो? डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो? तुम शायद भूल गए हो कि जान लेने की कुदरत सिर्फ अल्लाह में है। मरकर सबने उसी के पास जाना है। आपसे बात करने आई हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जब तुम्हारे घर में उमेर से सारे रिश्ते तोड़ के आई हो फिर तुम यहाँ क्या लेने आई हो? आप प्लीज इतना गुस्सा ना करें, भाई मान जाएंगे। माना वो मुझसे और अम्मी से बेहद मोहब्बत करते हैं, बट वो आपको भी किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पोजीशन। जब मेरे इतना समझाने पर वो नहीं माना, मेरे साथ वापस जाने से उसने इनकार कर दिया, फिर तुम क्यों आई हो उसकी वकालत करने? वो भाई है मेरे और मुझे पता है उन्हें हमारी बहुत फिक्र है, लेकिन हमें भी उनकी खुशियों का एहसास है। लेकिन तुम्हारे होते हुए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आप प्लीज ये केस खत्म होने तक का वेट कर लें। बेशक फिर आप भाई को हमेशा के लिए अपने साथ वापस कनाडा ले जाइएगा, मैं और अम्मी रह लेंगे अकेले। आई एम श्योर शावेज ये केस जल्दी जीत जाएंगे। बड़ा यकीन है तुम्हें शावेज पर? ऑफ कोर्स, जिस तरह उन्होंने पहली पेशी पे भाई की बेल करवा दी, आई एम श्योर वो ये केस भी जल्दी जीत जाएंगे। ठीक है, जहां इतने साल इंतजार किया है, कुछ दिन और से कर लूंगी इंतजार में। और सुनो, तुम जल्दी किसी से शादी करके जाओ और जान छोड़ो मेरी और उमेर की। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा ये सब कैसे हुआ हमें पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। आंटी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये सब मलिक इजलाल इसलिए कर रहा है ताकि आप इस केस से दूर रह सके। हाँ कॉल आई थी मुझे उसकी, मुझे इस केस से डराने के लिए इससे पीछे हटने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा है। फिर बेटा क्या सोचा आप लोगों ने, आप उस पर केस तो करेंगे ना? आंटी फिलहाल तो हमने कंप्लेन दर्ज कर दी है, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हमारे पास, इसलिए FIR दर्ज नहीं हो सकती। कॉल भी जो की थी वो अननोन नंबर से की थी उसने। आई थिंक आपको ये केस छोड़ देना चाहिए, खामखा खुद को हमारी वजह से मुश्किल में क्यों डाल रहे? मैंने कहा ना परेशानी वाली कोई बात नहीं, इट्स माय जॉब एंड आई हैंडल इट। जीते रहो बेटा। माँ एक्सक्यूज मी मुझे जरा ऊपर काम है, आप लोग बैठिए। थैंक यू फॉर कमिंग। जीते रहो बेटा, खुश रहो। थैंक यू। अल्लाह तुम्हें अजर दे इस बात का। मैं एक मिनट आती हूँ प्लीज। शावेस मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से मलिक इजलाल आपका दुश्मन हो जाए और आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। आप पहले ही मेरी वजह से इतना जख्मी हैं और फिर घर पर ये हमला, मुझे लगता है भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको ये केस छोड़ देना चाहिए। मिस ईशा ये केस मेरे पास आने से पहले आप कितने वकला के पास गए? किसी ने लिया आपका केस? तो मलिक इजलाल की भी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस तरह के लोगों को किस तरह हैंडल करते हैं। इट्स माय जॉब। पर अंदाजा तो मुझे भी यही था कि वो इस तरह की कोई ना कोई गिरी भी हरकत जरूर करेगा। सब कुछ जानते हुए भी आप ही केस नहीं छोड़े और आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इसलिए क्योंकि मैं आपको किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। अच्छा लगा किसी को अपने लिए फिक्रमंद रखते हुए। आप चाहिए अंदर जाके बैठिए। सर वो बड़े साहब आ गए। क्या बात कर रहा है, ये कहां से आ गए आप ऐसे अचानक? तुम दोनों ने मुझे इतना तंग किया हुआ है कि इमरजेंसी में आने के अलावा मेरे पास और कोई हल था नहीं। अस्सलाम के बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। कुछ लेके आऊं आपके लिए? नहीं बच्चा कुछ नहीं, मुझे इन दोनों से बात करनी है। बैठो। हाँ आप भी। ओके ओके बैठ गए। क्या यहीं खड़े होके बातें सुनना चाह रही हो?
जी। जितना तमाशा होना था क्या वो कम था जो जाके उस वकील के घर पे रात को फायरिंग करवाई है तुमने? बाबा डू यू नो कि बैठ के बात करो, बैठ जाओ। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, वो उसको ना औकात याद दिलाना बहुत जरूरी थी, हद से ज्यादा बढ़ रहा था। फिलहाल तुम्हारी ये जो छोटी छोटी ओछी हरकतें हैं ना, इन्होंने तुम्हारी और मेरी रेपुटेशन को दांव पे लगा दिया है। जिस केस को मैं इतनी मुश्किल से इतने अरसे से हैंडल करता आ रहा हूं, तुम उसे हाईलाइट करवा रहे हो। तो और क्या करते हम? उन नीच लोगों को हम इतनी आसानी से जाने दें जिनकी वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई है? वो लड़की तुम्हारी सहेली थी ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सब। यानी किसी की दुश्मनी में तुम इतनी आगे निकल गई हो कि हमारी हमारी फैमिली की रिपोर्ट आप पे लगा दी है। तो क्या मेरी इंसल्ट आपकी इंसल्ट नहीं है? Exactly. है बिल्कुल है, हमारी इंसल्ट है, लेकिन ये तरीका गलत है। मतलब इसकी वजह से तुम दोनों को थाने जाना पड़ गया, जस्ट इमेजिन। और हाँ, वो क्या नाम उस लड़के का, उमर, उसको मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वेपन्स के चक्कर में फंसाने का आइडिया किसका था? नहीं, वो एक्चुअली बाबा हुआ ये था। हाँ, मुझे अंदाजा था। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से मलिक इजलाल आपका दुश्मन हो जाए और आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। आप पहले ही मेरी वजह से इतना जख्मी हैं और फिर घर पर ये हमला, और आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इसलिए क्योंकि मैं आपको किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। क्या हो गया बाबा को भाई, ये ऐसे तो नहीं थे। अपने वक्त में सब कुछ करने वाले मलिक इसरार हमें बुजदिली का सबक पढ़ा रहे। चाहते हैं कि लोग हमसे डरना छोड़ दें। अगर हमने उनको सबक ना सिखाया ना, तो वो समझेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं ये तो अब दुनिया देखेगी। और ईशा के घर वाले ये भूल जाएं कि उनको अब कभी सुख का सांस भी आएगा। इतनी तंग कर दूंगा ना उसकी जिंदगी में कि उसका हर रास्ता मुझ पे आके रुकेगा, क्योंकि फैसला मलिक इजलाल कर चुका है, अब कुछ नहीं बदल सकता। अगर बाबा को पता चला तो? I'll handle it. जानते हैं, मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है।